हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अगेन आवर चैनल। आज हम सीखेंगे जो पैंट प्लाजो होता है उसमें साइड में जिप लगाना और साथ में जो ये हुक होते हैं इनको किस तरह से आपको एडजस्ट करना होता है। ये तरीका जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जिप लगाने का, इसको आप किसी और ड्रेस में भी ट्राई कर सकते हो। तो इसका फुल ट्यूटोरियल होने वाला है आज, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से वीडियो आपको बताने की कोशिश करूंगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। जिप लगाने के लिए सबसे पहले हम अपने प्लाजो पैंट का जो फ्रंट पार्ट है वो लेंगे। इसके लिए मैंने दो पट्टियां निकाली हुई हैं। ये इसमें से एक पट्टी है जिसकी चौड़ाई है यहाँ पर 3 इंच और इसकी लंबाई है यहाँ पर लगभग 8.5 इंच। सेम जो दूसरी पट्टी है उसकी चौड़ाई लगभग 2.5 इंच और लंबाई है इसकी यहाँ पर करीबन 8.5 इंच। जितनी हमने पहले वाले ली थी उतनी ही इसकी लंबाई लेनी है। जो 3 इंच वाली पट्टी थी ये हम फ्रंट पार्ट में यूज करेंगे और जो दूसरी वाली थी वो हम बैक पार्ट में यूज करेंगे। जिप लगाने से पहले एक बात का ध्यान रखिएगा, जो जिप होती है हम प्लाजो में लेफ्ट साइड में लगाते हैं, राइट में हम जो पॉकेट है वो लगाते हैं। तो इसको आपको उल्टा करके रख लेना है और जो आपने 3 इंच चौड़ी पट्टी ली थी उसको लेंगे, इसके ऊपर यहां रखेंगे। अब देखिए ये हमें 7 इंच में लगाने होते हैं, यहां से यहां तक मैंने कट लगाया हुआ है एक 7 इंच पर। अब इसको हम दूसरी साइड इस तरह पलट देंगे और नाखून की मदद से अच्छे से प्रेस कर देंगे। पलटने के बाद इसके ऊपर से आपको एक स्टिच लगा लेना है, इस तरह से इसको फोल्ड भी करना है, डबल फोल्ड, और यहां से आपको स्टिच लगा लेना है। ये पट्टी हमने लगा दी है एक साइड, अब जो दूसरी वाली पट्टी है उसको लेना है। जो देखिए जिप का दो साइड होती है, तो ये वाली साइड है इसको नीचे की तरफ रखना है और दूसरी वाली साइड को इस तरह से आपको इसके ऊपर रख लेना है और एक साइड में आपको इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे यहां से। ये चेन हमने इस पर लगा दी है। अब हमें बैक पार्ट लेना है। देखिए ये मेरा बैक पार्ट है, इसको ऊपर से जो आपने इलास्टिक के लिए रखा हुआ है उसको छोड़कर बाकी नीचे हम 7 इंच पर 7 इंच पर मार्क किया हुआ है। यहाँ पर 7 इंच में ही हमने फ्रंट पार्ट में किया था, इस पर हमने कट लगाए हुए थे, तो इसको आपको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। करीबन 1/2 इंच है ये हमने फोल्ड कर लिया और इस जो जिप है हमारी इसके इस वाली साइड पर रखना है आपको और बड़ी फिनिशिंग के साथ आपको यहां तक सिलाई लगा लेनी है जहां तक हमने मार्क किया है। बैक वाले पार्ट पर हमने देखिए जिप को एक साइड से सील लिया है, अब फ्रंट वाला पार्ट आपको लेना है। तो ये है हमारा फ्रंट वाला पार्ट, इसकी सीधी साइड है हमारे ऊपर की तरफ, इस जिप को दूसरी साइड है ये वाली, इसको हमें इसके ऊपर रखना है। इस तरह से देखिए क्लियर है, और थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए करीबन 1/2 इंच यहां पर रखना है और यहां से सिलाई लगानी है।
दोनों ही पार्ट्स में हमने जिप को लगा दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप आपको इसको सबसे पहले क्लोज कर लेना है। इसको आपको पलट लेना है। अब यहां से आपको जो ये जिप वाला पार्ट था पूरा, इसमें आपको स्टिच लगानी है ऊपर से नीचे तक। अब इसको हम दूसरी तरफ से देखेंगे तो देखिए कितने अच्छे से एक तरह से गुम हो जाएगा ये। ये देखिए, अब यहां से एक स्टिच आपको और लगाना है, यहां से लेकर यहां तक, जहां तक आपका जिप खत्म हुआ था वहां तक। तो आप देख सकते हो जिप हमारी लग चुकी है। ओपन करने के बाद देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ बहुत अच्छे से हमने इसको लगा दिया है। तो वीडियो कैसा लग रहा है आपको, समझ आया नहीं कमेंट में जरूर बताइएगा। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी जरूर कमेंट कीजिएगा। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा जो हुक होती है वो लगाना। उसके लिए हमें सबसे पहले पट्टी लगानी होगी, जो बेल्ट होती है हमारी वो लगानी होगी। तो चलिए वो लगा लेते हैं। फ्रंट पार्ट में हमने ऊपर बेल्ट लगा ली है। अब बेल्ट को हमें थोड़ा एक्स्ट्रा लेना है, यहाँ 4 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना होगा इसको, और एक्स्ट्रा जो बाकी उसको कट कर देंगे क्योंकि इस पर हमें हुक लगाने हैं, इसे एक्स्ट्रा लेना होता है। ये हमारे पास हुक है, इसको करीबन देखिए इस पट्टी से आधा इंच छोड़ते हुए यहां पर आपको लगा देना है। दूसरी साइड इस तरह से, इसके नीचे वाला पोर्शन है इसको इसमें डालेंगे। और सीजर की मदद से इनको इस तरह से आपको प्रेशर डालना है। देखिए दोनों ही जो हमारे ऊपर उठे हुए थे कोने, इनको हमने फोल्ड कर दिया है। अब जो ये पट्टी थी इसको हमें फोल्ड करना है इस तरह से, और एक बार यहां से फोल्ड करते हुए आपको यहां पर स्टिचिंग लगा देनी है। जो ये पोर्शन दिख रहे हैं आप, यहाँ पर आपको तुरपाई करनी है। सिलाई करेंगे तो ये बाहर की तरफ शो हो जाएगी यहाँ पर, तो यहाँ पर आप तुरपाई कर सकते हो, आप चाहे तो सिलाई भी कर सकते हो। एक साइड में हमने हुक लगा लिया है, अब दूसरे वाले साइड को रेडी करना है। तो उसके लिए देखिए ऊपर बेल्ट में से छोटा सा पार्ट बचा हुआ है, इसको आपको यहाँ पर रखना है, यानी जो फ्रंट वाला था उसी की बिल्कुल साथ में उतना ही रखना है इसको, और यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। अब इसको फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर से सिलाई और लगा लेनी है। Thank you.
एक्स्ट्रा को कट कर देंगे। अब हमारे पास इस तरह का हुक है, ये हमारा बैक साइड लगता है, तो ये बैक वाले में आपको लगा देना है। इसके लिए आपको मार्क करना होगा, इसको ऐसे कवर करेंगे, बिल्कुल कवर करने के बाद जहां भी ये हुक था आपका वहां पर निशान लगा लेंगे और यहां पर आपको बैक वाले में को लगाना है। और सेम आपको किसी भी हैवी वेट की मदद से इसको, जो एजेस आपको उठे हुए दिख रहे हैं, इनको प्रेस कर देना है। तो ये देखिए, ये वाला हुक भी हमारा लग गया है अच्छे से, इसको आप देख सकते हो बंद करके। देखिए इस तरह से फिक्स हो जाएगा। अब जो बैक पार्ट था उसमें हमें इलास्टिक डालनी है, तो जितना भी हमें एक्स्ट्रा लिया हुआ है इसको फोल्ड कर लेंगे और इसमें हम इलास्टिक डाल देंगे। फिर फाइनली मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरह से आपको एडजस्ट होता है। बैक पार्ट में हमने इलास्टिक भी लगा दी है, अब आप देख सकते हो कितने अच्छे से ये सेट हो गया है, जिप भी और साथ में हमारे दोनों हुक भी। तो आपको वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट में बताना। कोई भी डाउट आता है आपको, सिलाई से संबंधित कोई भी आपको डाउट आता है तो हमें कमेंट करना, मैत्री ब्यूटी हैशटैग लगाकर हम आपका कमेंट का जरूर रिप्लाई करेंगे। ऐसे ही हमारे साथ फ्रेंड्स बने रहिए, आगे अच्छे अच्छे और भी वीडियो जाने वाली है। पैंट प्लाजो से रिलेटेड हमने सभी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, कटिंग सी स्टिचिंग के पॉकेट के लिए सभी की वीडियो अपलोड हो चुकी है, हमारे चैनल पर आप वो वीडियोस भी देख सके हो। इसके साथ आप अपने इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, हमारे इंस्टाग्राम आईडी है maitri6033, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।